नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अफोर्डेबल हाउसिंग में अप्लाई करना एक मॉरल इशू। क्योंकि बहुत कमेंट्स में मैंने देखा है, जर्नी लोगों को देखा है कि भाई इसमें इन्वेस्टर घुस रहा है बहुत ज़्यादा, गरीबों के लिए छोड़ा नहीं जा रहा, ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ तो छोड़ दो गरीब के लिए। तो ये क्या है, क्या इसमें कोई मॉरालिटी का पक्ष है? इन्वेस्टमेंट सेंस तो बहुत बढ़िया है और इन्वेस्टर को खूब घुसना चाहिए, दैट इज़ माई टेक। मॉरालिटी के इशू पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि सैंगो लाइफ सूत्रस चैनल है। मैं पूरा बैलेंस करके देता हूँ कि भी करना है तो भी हर चीज़ का पता होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे ही तो आपको ये देखना है जी, गरीब क्या है, मिडिल क्लास क्या है और अमीर क्या है, और कौन क्या है। इसमें 20 करोड़ के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में? नहीं, इसमें इन्वेस्टर भी आ रहा है वो को बहुत बड़ा ग्रेट अमीर नहीं है, वो भी 1-1.5-2-3 करोड़ से ऊपर की पार्टी नहीं है, और 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ की पार्टी अमीर नहीं है। दिल्ली के अंदर बकवास से बकवास लोकेशन में भी बिल्डर फ्लोर इससे महंगा होता है, तो आदमी नेटवर्थ इससे ऊपर वाला ले रहा है और उसके बच्चे भी काम नहीं कर रहे, और जो अपने आप को बहुत गरीब समझ रहे हैं तो भी गरीबों को कहाँ कहाँ रिजर्वेशन दे। EWS में तो गरीबों का है ही, जहाँ घर मिल रहे हैं जो असली गरीब हैं, फिर आपको स्वर्ण के अंदर जो गरीब होते हैं नौकरियों में उनको भी वहाँ भी मिल रहा है रिजर्वेशन। तो जो मिडिल क्लास है वो बेचारी कहाँ जाए, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, उसको भी उसके बच्चे को भी तो चाहिए, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। कल को उसके बच्चे की नौकरी नहीं लगी, वो भी गरीब हो गया। जो 3 लाख रुपए की तनख्वाह जो कमा रहा है इंडिया में, सरकारी अधिकारी मान लो और बड़ा आला अधिकारी, 30 साल की सर्विस वाला, उसको तो कोई गरीब नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। पर उसके 2 बच्चे हैं और नौकरी नहीं करते और वो रिटायर हो गया, अब क्या है, अब क्या हुआ उसके साथ? अरे भाई साहब, उनने तो अपना इतना कर लिया होगा कहीं सेटिंग। भैया नहीं होती, सब नहीं करते, सब एक जैसे नहीं होते, आधा 1% ही होते हैं। बहुत बहुत नॉर्मल लोग हैं जिनकी 2-2.5 लाख तनख्वाह है, 30-40 हज़ार उनका इनकम टैक्स कट जाता है और बड़ी मुश्किल से उनका भी गुजारा चल रहा है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन नहीं नौकरी कर पा रही। गरीब के बच्चे की भी 30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी लग रही है और मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बच्चे की भी वही लग रही है, एंड कोई फर्क नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये गरीबी का रोना रोना बंद कर दें, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए तो किसी का वैसे भी दिल नहीं धड़कता, ठीक है, ना ऊपर वालों का, ना बीच वालों का, नीचे वालों का, ना वोट बैंक वालों का, ना किसी का, ठीक है। तो एटलीस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग में दबा के अप्लाई करो, सब अप्लाई करो और सब किस्मत आजमाओ। गवर्नमेंट ने जब प्रायोरिटी 3-4 बोल दिया है इसमें, तो फिर गरीब अमीर का कहाँ रह जाता है भाई? प्रायोरिटी 3 की प्रायोरिटी ऊपर है। प्रायोरिटी 3 कौन है? जिसके पास घर नहीं है। तो जिसके पास घर नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है? उसके पास तो है ही नहीं घर, ले रहा है वो। अब वो नहीं, उसके पापा के पास है, अरे उसके पास तो नहीं है ना, और नहीं फिर इस तरह उसको मिल जाएगा, अरे तो फिर जो सो कॉल्ड अपने आप को गरीब समझते हैं वो उनके घर में भी 6-7 आदमी हैं, कर दो सबके नाम पे अप्लाई। ये जबरदस्ती हर जगह क्लास घुसेड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। डू यू एग्री विद मी? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे ही सपने आते हैं? क्योंकि आज के दिन क्या कुछ तबके के अगेंस्ट बोलना तो मतलब कोड़े खाना है। किसानों के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, गरीबों के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता उनके अगेंस्ट बोलो, पॉलिटिशियनों को फर्क नहीं पड़ता उनके अगेंस्ट बोलो, तो फिर मतलब मिडिल क्लास के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोल दो कि भाई इनका कैपिटल गेन बढ़ा दो, इनका स्टॉक मार्केट का बढ़ा दो, इनका इनकम टैक्स रिबेट कम कर दो, पहले इतने घरों पे मिलता था वैसे कम कर दो, अब उसकी लिमिट 2 लाख लगा दो, अभी मिडिल क्लास तो चू भी नहीं करेगी, जय ऐसे करेगी, ठीक है। और बाकी कहीं मिडिल क्लास अपना दिमाग लगा के कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है कि मैं मिडिल क्लास से लोअर क्लास ना बन जाऊं, ठीक है। तो कई लोग नीचे से, अरे तुम क्यों ले रहे हो यहाँ पे? कोई अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर रहने वाले भी कोई अमीर नहीं है, ना अफोर्डेबल हाउसिंग लेने वाले अमीर हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी भी बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ आप अप्लाई करोगे मिल जाएगा, एक आधा प्रोजेक्ट आता है जहाँ 5,000 सब्सक्रिप्शन जाता है, जैसे सिग्नेचर 88 का आया हुआ है, इससे पहले कॉन्स्टेंट 102 का आया था, उससे पहले MRG 106 का आया था, ऐसे ऐसे सुपर ब्लॉकबस्टर कम आते हैं। बाकियों में बतेरी जगह वैकेंसी पड़ी हुई है जहाँ जिसको अप्लाई करना है, नहीं मैं एक्चुअल में गरीब हूँ, मुझे ये अच्छे वाले में ही चाहिए और कोई बाकी अप्लाई ना करे, ये ऐसे रियल लाइफ नहीं चलती, ठीक है, रियल लाइफ नहीं चलती। अगर आपको भी घर लेके कुछ लेके करना है तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल लो। जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान डाल रहा है उसके अगेंस्ट मत जाओ, वो कोई बहुत अमीर नहीं है, और मिडिल क्लास ही आपस में अपनी बड़ी दुश्मन है। ये मिडिल क्लास की वो है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यहीं आपस में लड़ रहे हैं। जो एक्चुअली बेचारा अल्ट्रा पुअर है, जो जेन्युइनली पुअर है, ठीक है, वो तो बेचारा मुंह ही नहीं खोलता, उसकी कौन सुन रहा है? वो तो EWS के वाले भी फ्लैट नहीं मिलते उसको, वो तो लेफ्ट राइट बेचारा अपना वैसे ही है, ठीक है। लेकिन ये इनमें डला हुआ है, इसमें ये वाला आदमी जो है ये जिसको लग रहा है मैं बहुत गरीब हूँ,
और ये वाला बहुत अमीर है, इसको तो लेना नहीं चाहिए। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट मतलब एक के बच्चे का एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स, और ए वन का टू, वन का बी, टू का सी गलत हुआ और आपके बच्चे का राइट हो गया, आपकी निकल पड़ी, आप सीधा लोअर क्लास से मिडिल क्लास हो गए और ये मिडिल क्लास से लोअर क्लास हो गया, ठीक है, अगर इसको नौकरी नहीं लगी, 2 बार इसके लगातार एग्जाम इस तरह चले गए। तो ये मैं क्लास क्या है, मिडिल क्लास डेफिनेशन क्या है, इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, एंड मुझे कोई डर और शर्म नहीं है इसमें ऐसी बातें करना कि समाज में ऐसे इनके खिलाफ तो बोलना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी, मैं बिल्कुल क्लासिस्ट नहीं हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ, मैं तो ज्योतिष हूँ, ईश्वर की ज्योत दिखाने वाला, क्लैरिटी देने वाला, टॉर्च मारने वाला कि ये सच्चाई है, ये टॉर्च है और ये देख लो, ठीक है, तो वो आईना दिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं अब क्लास में आप कौन सी जगह बिलोंग करते हैं उस वाले पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को, अगर आप 200 लाइक दिलाते हैं प्लीज़, तो मैं उस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, पहले बनाया था, उसकी डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज हो गई है। तो क्या आप एक वीडियो चाहते हैं कि जिसमें आपको पता चल जाए कि आप बिलोंग किधर करते हैं, मार्केट में एक्चुअल डेटम क्या है, क्योंकि सरकार तो इस तरह की चीज़ निकालेगी नहीं क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है मतलब ऐसी बातें करना, पर मार्केट क्या है, शादी का मार्केट किसको गरीब और अमीर मानता है, एक्चुअल मिडिल क्लास कौन सी है, अपर मिडिल क्लास कौन सी और धनी कौन है। तो इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखना M लिखेंगे तो यानी मिडिल क्लास की डेफिनेशन का वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।